मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। सो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा आठवीं का पार्ट 9 है जो बूढ़ी पृथ्वी का दूध, बूढ़ी पृथ्वी का दूध जो निर्मला मुंडे द्वारा रचित है, इस कविता का पार्ट 2 आज आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। इससे पहले जो आपके पास वीडियो गई थी उसमें आप इस कविता का फर्स्ट पार्ट कर चुके हो, फर्स्ट पार्ट आपके पास चला गया था, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस कविता का सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया था कि जो राइटर है निर्मला मुंडे उसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था, और जो कविता का जो पहला जो पठन था उसकी आपने व्याख्या की थी। तो आज हम इसमें सेकेंड पार्ट में आज हम इसके दो पद्धांत की व्याख्या करेंगे, बूढ़ी पृथ्वी का दूध। तो देखो बच्चों, पहले वाले में इसमें आपने बूढ़ी पृथ्वी यानी कि पहले वीडियो में आपसे बताया था कि यानी कि प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों के पानी को गंदा किया जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, ये सभी यानी कि जो हमारा प्राकृतिक जो हमारी सुंदरता है उसको नष्ट किया जा रहा है, यानी कि इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन सब का क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है, और इन सब का दोहन करके क्या सूखे और भूकंप आदि की समस्याएं पैदा हो सकती है। तो यानी कि कह रहे हैं कि यहाँ कवित्री इंसान को यानी कि मानव जाति को संबोधित कर रही है कि जो मनुष्य पृथ्वी के दुख को समझता है, दुख को महसूस करता है, वो तो एक सच्चा नेक इंसान है, अन्यथा सभी क्या है, कोई भी पृथ्वी के हितैषी नहीं है। यानी कि कह रहे हैं कि जैसे इंसान को जब दुख होता है, पीड़ा होती है, जब अगर मनुष्य को चोट पहुंचाई जाती है, उसको जितना कष्ट होता है, उतना ही कष्ट जब प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है, प्रकृति के साथ अगर गलत कदम उठाए जाते हैं, जैसे पेड़ों को काटा जाता है, तो उनको भी उतनी ही कष्ट और पीड़ा होती है। तो कवित्री कहते हैं, क्या आपने कभी प्रकृति की कष्ट या पीड़ा को महसूस किया है? यहाँ पे कवित्री क्या करती है, प्रश्न करती है कि जैसा दुख मनुष्य को होता है, वैसा ही दुख किसको होता है, प्रकृति को होता है। तो क्या आपने कभी प्रकृति की कष्ट या पीड़ा को महसूस किया है? तो पहले सिद्धांत में जो फर्स्ट पार्ट में जो आपने किया था उसमें पेड़ों के बारे में बताया था कि पेड़ों को किस तरह से काटा जा रहा है छांटी कुल्हाड़ियों से, और पेड़ किस तरह से कुल्हाड़ियों के बाद वो सहते हैं, और किस तरह से वो धरती पर कट कर गिर जाते हैं, और किस तरह से वो बचाव के लिए उनकी बहनें हजारों हजार हाथ को पुकारते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। अब देखो सेकंड पार्ट जो करवाएंगे, इसमें जो दूसरा पद्धांश है इसमें बताया है कि नदियां जो नदियों का पानी है उसको भी क्या किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है, जो कल कारखाने हैं उनका पानी भी नदियों में छोड़ा जा रहा है, तो इसलिए नदियों का जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर नदियों के पानी को प्रदूषित किया जा रहा है तो उनको कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, और वो अपने दुख को कैसे प्रकट करती है कि रात के अंधेरे में एक कोने में बैठकर वो अपना दुख प्रकट करती है, रोती है वो। और कह रहे हैं कि मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, वो ये नहीं सोचता कि नदी के एक घाट पर क्या किया जा रहा है, मनुष्य अपने पशुओं को मवेशी यानी अपने पशुओं को नहलाता है, पशुओं को पानी पिलाता है, स्त्रियां वहीं पर बैठकर अपने कपड़े धोती हैं, और वो ये नहीं सोचते कि इस घाट पर तो हम पानी को गंदा कर रहे हैं, बैठकर हम अपने पशुओं को नहला रहे हैं, कपड़ों को धो रहे हैं, और वो ये नहीं सोचते कि हो सकता है दूसरे घाट पर कोई प्यासा व्यक्ति पानी पी रहा हो, या फिर कोई स्त्री किसी देवता को जल चढ़ा रही हो। यानी कि इस पद्धांश में ये बताया गया है कि ये वो नहीं सोचते, और आंखें बंद करके दिन रात नदियों के जल को क्या करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं। देखिए इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे के मूर्त किस कदर रोती है नदियां, यानी कि जिस तरह से पेड़ों को पेड़े पेड़ जब चिल्लाते थे चीखते थे जब उनको काटा जा रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पे कवित्री कह रही है कि जब नदियों के पानी को गंदा किया जा रहा है तो नदियां भी क्या करती है, अंधेरे में जाकर अपना मुंह धरकर क्या करती है, रोती है। जब किसी इंसान को दुख होता है, कष्ट होती है, जब उनको पीड़ा होती है, या किसी बहुत भारी समस्या में होते हैं जब इंसान, तो वो क्या करता है, कोई भी व्यक्ति एकांत को एकांत चाहिए, एकांत माहौल चाहिए, और एकांत में जाकर वो अपने मन को हल्का करता है। तो उसी तरह से नदी भी क्या कह रही है, जब अंधेरा हो जाता है तो उसको अंधेरे में
नहीं छोड़ा जा रहा है। इस घाट पे कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पे रहा होगा कोई प्यासा पानी या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को आगे। आगे का मतलब बेटा क्या होता है, किसी देवता को जल दूध वगैरह चढ़ाना, जैसे हम कहते हैं कि अर्घ दे रहे हैं, यानी कि किसी देवता के ऊपर जल या दूध चढ़ाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंसान अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इतना अंधा हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि आप नदी के घाट पर बैठकर कपड़े धो रहे हो, अपने लोग अपने पशुओं को नहला रहे हैं, पशुओं को पानी पिला रहे हैं और उसी में मतलब उस पानी को इतना गंदा कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस घाट पर बैठ के पानी को गंदा कर रहे हो, अपने पशुओं को नहला रहे हो? आपको महसूस किया है, सुनाई पड़ी है कभी, भले तो कह रहे हैं
कह रहे हैं कि गरीब और पहरे में जब उनको अधरों से तोड़ा जाता है और जब पहाड़ क्या करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो कभी तुमने उनकी चीख को, उनके कष्ट को, उनके दर्द को कभी तुमने महसूस किया है? कह रहे हैं कि नहीं किया। तो इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, पहाड़ को भी तोड़ा जा रहा है। जिनकी कोई, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनकी कोई, वो तो मौन बैठे हैं, शांत बैठे हैं, और क्या कह रहे हैं कि उन पहाड़ों को भी हथौड़ों से भरी खोपड़ी में तोड़ा जाता है और उनके पत्थरों को क्या होता है, छिटक छिटक कर दूर तक चले जाते हैं। तो कवित्री कह रहे हैं कि ये मनुष्य, क्या तुमने कभी उनकी पीड़ा को, कष्ट को सुना है, या फिर तुमने कभी उनको, उनके दुख को महसूस किया है? ठीक है बच्चों, इस पार्ट टू में हमने वो पैसेज करवाए हैं तो पहाड़ के दुख के बारे में, कि पहाड़ को किस तरह से अधूरों से तोड़ा जाता है और उनके दर्द को महसूस करने के लिए कवित्री इंसान से कह रही है। और एक पहले पैसेज में हमने नदियों के बारे में पढ़ा था कि नदियों का जल किस तरह से प्रदूषित होता जा रहा है। वहीं पर लोग अपने मवेशियों को यानी कि पशुओं को नहलाते हैं, पानी पिलाते हैं, वहीं पर वो कपड़े धोते हैं। और वहीं पर क्या तुमने ये सोचा है कि हो सकता है दूसरे घाट पर कोई स्त्री किसी देव का जल ले रही हो या कोई प्यासा व्यक्ति पानी पी रहा हो? ठीक है, तो नदियों को भी प्रदूषित किया जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। अब आगे हम इस वीडियो का थर्ड पार्ट करवाएंगे और थर्ड पार्ट में हवा के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि हवा को भी किस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है।